गांजा तस्करी के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। मामला हरदा जिले के रहटगांव थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने देर रात घेराबंदी कर एक व्यक्ति को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत करीबन 16,000 रुपए है। व्यक्ति ने अपना नाम पीयूष बताया और व्यक्ति की उम्र 22 वर्ष है। जिले में लगातार एनडीपीएस के मामले सामने आ रहे हैं। 4 दिन पूर्व ही गांजा तस्करी के मामले में हरदा न्यायालय ने आरोपियों को 12 वर्ष के लिए दंडित किया था। ये कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि अवैध मादक पदार्थ के धंधे में कुछ लोग लिप्त हैं। कल विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति टिमरनी सोडलपुर रेड गांव से सोडलपुर रोड पर एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लिए कुछ गांजे लिए खड़ा है, कहीं बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर विधिवत कार्रवाई करते हुए संतोष भामनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति जिसने अपना नाम पीयूष तंवर पिता अशोक तंवर उम्र 22 साल निवासी रेड गांव का बताया के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण कायम किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।